तो वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। और जैसे कि थंबनेल टाइटल से पता चली गया, इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूं ब्लॉपंक के लेटेस्ट अफोर्डेबल वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन्स ब्लॉपंक BH41। देखें क्या कुछ खास है इनमें और जिस प्राइस में मिलते हैं उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स के ऊपर हेडफोन्स का पिक्चर, ब्लॉपंक की ब्रांडिंग, मॉडल नेम ब्लॉपंक, ओरिजिनल का होलोग्राम, जर्मनी बेस्ड ब्रांड है ब्लॉपंक तो वही दिया हुआ है। साथ में कुछ की फीचर्स हैं, साइड में फिर से ब्लॉपंक की ब्रांडिंग, इस तरफ फिर से हेडफोन्स का पिक्चर, ब्रांडिंग, कुछ की फीचर्स वगैरह, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन इस साइड में काफी सारी और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एमआरपी, बॉक्स कंटेंट्स के डेल, मैन्युफैक्चर्ड बाय डेल्स वगैरह। क्विकली बॉक्स को ओपन करते हैं तो ब्लॉपंक के मोस्टली प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग अच्छी होती है तो वैसे ही यहां पर है। मेन प्रोडक्ट के अलावा बॉक्स के अंदर से मिलती है ये एक प्रोडक्ट कैटलॉग, साथ में है एक यूएसबी ए टू टाइप सी वाली चार्जिंग केबल और कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्टली आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट मतलब के हेडफोन्स पर और अभी के स्टार्ट करें इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो अभी के लिए तो है मेरे पास ब्लॉपंक BH41 का ब्लैक कलर वाला वेरियंट, इसके अलावा और भी कोई डिफरेंट कलर में अवेलेबल होगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, चेक कर लेना। हेडफोन्स की डिजाइन की बात करें तो फर्स्ट लुक में ही हेडफोन्स काफी मिनिमल से प्रीमियम से लग रहे हैं। बाहर की तरफ ब्लॉपंक की ब्रांडिंग है और लेफ्ट हैंड के सिंबल्स दिए हुए हैं। हेडबैंड जो है ये पूरा का पूरा कुशनी मटेरियल के साथ कवर्ड है, यहाँ पर प्रोटीन लेदर के साथ में, जिसकी क्वालिटी फिनिशिंग अच्छी है। ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर जो ईयरपैड्स हैं इनके ऊपर भी मटेरियल दिया हुआ है, कुशनिंग की क्वालिटी यहाँ पर भी अच्छी है। साथ में यहाँ पर एक्सटेंड कर सकते हैं हेडफोन्स के साइज को कुछ इस तरीके से, जो मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का है, फ्लेक्सिबल मटेरियल है तो किसी भी साइज का आपका हेड है बड़े आराम से फिट हो जाएंगे हेडफोन। साथ में प्लास्टिक और मेटल बिल्ड का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है तो लाइट वेट भी है, जिसकी वजह से जब इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा भारी से नहीं लगते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं हेडफोन्स। साथ में जो ईयर पैड्स हैं ये अच्छे खासे बड़े साइज के हैं बिकॉज ऑफ ओवर ईयर टाइप हेडफोन्स हैं तो कान पूरा का पूरा कवर हो जाता है। लॉन्ग आवर्स में इस्तेमाल करना है ट्रैवलिंग के दौरान या फिर कोई भी सीरीज बिंज वॉच करनी है तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई भी पेन वेन की दिक्कत नहीं होती है। लेफ्ट साइड में हेडफोन्स के बाहर की तरफ कुछ कंट्रोल बटन दिए हुए हैं, साथ में 3.5 वाला ऑडियो जैक है, साथ में टाइप सी पोर्ट इनको चार्ज करने के लिए, एक नोटिफिकेशन एलईडी, साथ में एक माइक भी है कॉल्स पर बात करने के लिए। बाकी अगर आपको चाहिए तो फोल्डेबल हैं तो आप कैरी कर सकते हैं बैकपैक में डालकर बड़े आराम से। ओवरऑल कंफर्टेबल से हेडफोन्स हैं, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन वगैरह अच्छा है और ड्यूरेबल रहने वाले हैं। इस ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह की बात करें तो हेडफोन्स के अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिलता है, जिसके जरिए किसी भी एंड्रॉइड फोन, आईफोन या फिर लैपटॉप वगैरह के साथ में बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके कनेक्ट कर सकते हैं हेडफोन्स को। और एक बार पेयर करने के बाद नेक्स्ट टाइम से जैसे ही हेडफोन्स को आप ऑन करेंगे क्विकली वापस से पेयर हो जाते हैं। कनेक्शन रेंज अप टू 10 मीटर्स की है, बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है तो बड़े आराम से कनेक्ट रहते हैं डिवाइस के साथ में। साथ में जो कंट्रोल बटन्स हैं इनके जरिए मल्टी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिंपली जो प्ले पॉज वाला बटन है इसके जरिए प्रेस एंड होल्ड करके टर्न ऑन और ऑफ तो कर ही सकते हैं हेडफोन्स को। इसके अलावा म्यूजिक प्लेबैक के दौरान प्ले पॉज कर सकते हैं किसी भी ट्रैक को, वॉल्यूम प्लस और माइनस के जरिए बार बार शॉर्ट प्रेस करके वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। भाई किसी का कॉल आ रहा है प्ले पॉज वाले बटन को शॉर्ट प्रेस करके कॉल पिक कर सकते हैं, दो बार शॉर्ट प्रेस करके रीडायल कर सकते हैं लास्ट डायल नंबर को और बात करने के बाद सिंपली शॉर्ट प्रेस करके कॉल को डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। सो बेसिक जितने कंट्रोल्स हैं सबके सब अवेलेबल हैं और जो बटन्स का फीडबैक है ये भी मैं बोलूंगा अच्छा है। एक सब बात करें हेडफोन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मतलब कि साउंड आउटपुट की, उससे पहले है एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोई वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है, ये हेडफोन्स कैसे लगे लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ब्लॉपंक BH41 हेडफोन्स के अंदर मिलते हैं 40mm के ड्राइवर यूनिट्स और इनके जरिए जो साउंड आउटपुट मिलता है उसको मैंने टेस्ट किया, डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुना, कई सारी मूवीज के ट्रेलर देखे और इस समय मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर हेडफोन्स के जरिए जितने वोकल्स हैं साथ में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंटल साउंड, हाई लो मीडियम फ्रिक्वेंसी का साउंड सेपरेशन सब का सब काफी अच्छे से मिल जाता है, अप टू 90-100% वॉल्यूम, ट्रेबल की क्वालिटी अच्छी है, साथ में बेस भी अच्छी क्वालिटी का है, पंची हल्का सा बूमी बेस अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मिलता है हेडफोन्स के जरिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर हेडफोन्स के जरिए अच्छी क्वालिटी का वेल बैलेंस क्लैरिटी के साथ साउंड आउटपुट मिलता है अप टू 100% वॉल्यूम। कुछ एक सॉन्ग्स में जहां पर कि बहुत ज्यादा बेस और ट्रेबल होता है तो वहां पर हो सकता है 100% वॉल्यूम पर जब इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ी सी क्लैरिटी कम हो, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन मिले, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छी क्वालिटी का वेल बैलेंस साउंड आउटपुट है हेडफोन्स का, मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा जिस प्राइस के हेडफोन्स हैं उस हिसाब से। भाई कॉल्स पर बात करनी है तो माइक भी अवेलेबल है, क्वालिटी क्वालिटी कैसी है तो अभी के लिए मैंने कॉल किया हुआ है हेडफोन्स के जरिए और आपके पास जो साउंड पहुंच रहा है ये है उस तरफ की कॉल रिकॉर्डिंग। आउटडोर में हूँ, छत पर हूँ, हल्का फुल्का ट्रैफिक का साउंड भी आ रहा है, ऐसे में आपको आइडिया लग जा रहा होगा जब आप बात करेंगे हेडफोन्स के जरिए तो उस तरफ कैसे आवाज जाने वाली है, कैसे एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन वगैरह मिलता है। तो आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा। वैसे इसके अलावा और भी कई सारे कॉल्स और उस पर बात करके देखिए मैंने हेडफोन्स के जरिए, जो कॉलिंग क्वालिटी है मैं बोलूंगा ठीक ही है, बस काम चल जाएगा, कोई
भी यहाँ पर कॉलिंग के दौरान एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं है। भाई गेमिंग में इस्तेमाल करना है तो कोई भी डेडिकेटेड गेम मोड तो नहीं है, स्टिल यहाँ पर गेमिंग वगैरह में इस्तेमाल करना है तो मैंने टेस्ट करके देखा यहाँ पर हेडफोन्स काम कर जाते हैं। लिटिल बिट लैग वैग तो मिल ही सकता है बिकॉज ऑफ ब्लूटूथ हेडफोन है। अगर आपको इस्तेमाल करना है वायर से तो 3.5 mm वाला ऑडियो जैक के जरिए यहाँ पर आप कोई भी ऑक्स केबल का इस्तेमाल करके हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं, कोई भी लैग नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चार्जिंग और यूसेज टाइम की बात करें तो किसी 5 वोल्ट के चार्जर के जरिए टाइप सी पोर्ट के जरिए हेडफोन्स को 0 to 100% चार्ज करने में करीब करीब 1.5 आवर लगता है और एक बार फुल चार्ज करके हेडफोन्स के जरिए 24 घंटे तक का यूसेज टाइम मिल सकता है, जो कि मैं बोलूंगा डिपेंड करता है आपके यूसेज पर। पूरे टाइम फुल वॉल्यूम पर इस्तेमाल करेंगे या फिर पूरे टाइम कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे तो यूसेज टाइम थोड़ा कम भी हो सकता है। मिक्स्ड यूसेज में आप ऐसे समझ लीजिएगा 15 से 20 घंटे का यूसेज टाइम तो बड़े आराम से मिल जाएगा हेडफोन्स के जरिए, जो कि काफी अच्छा है। बाकी इससे भी अच्छी बात यह है यहाँ पर टर्बो वोल्ट फास्ट चार्जिंग मिलती है, 10 मिनट चार्ज करके 3 घंटे तक का यूसेज टाइम मिल जाता है हेडफोन्स के जरिए। और 10 मिनट भी नहीं है आपके पास तो 3.5 mm वाला जैक है ऑक्स केबल के जरिए अपने फोन के साथ में अगर जैक है तो इस्तेमाल कर सकते हैं हेडफोन्स को बिना बैटरी के। फाइनली अगर मैं सम करूं तो ब्लाउपॉन्ग BS41 वायरलेस ओवर ईयर हेडफोन्स का प्राइस है करीब 1500 rupees के अप्रोक्स, और इस प्राइस के हिसाब से अगर कंप्लीट पैकेज देखें तो ओवर ईयर हेडफोन्स हैं, बिल्ड क्वालिटी फिनिशिंग अच्छी है, ड्यूरेबल रहने वाले हैं, साथ में अच्छी क्वालिटी का साउंड आउटपुट भी मिलता है, कॉलिंग के लिए हल्की फुल्की गेमिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्जिंग टाइम यूसेज टाइम की भी कोई दिक्कत नहीं है, साथ में ब्लूटूथ कनेक्शन वगैरह भी बढ़िया है। तो मैं तो यही बोलूंगा अगर आप एक अफोर्डेबल से अच्छी क्वालिटी के साउंड आउटपुट वाले हेडफोन्स बाय करने को सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इनको एक बार कंसीडर कर सकते हैं, मेरे तरफ से एक पिक है। बाकी आप बताएगा आपको कैसे लगे ब्लाउपॉन्ग के ये वाले हेडफोन्स नीचे कॉमेंट्स में जाकर, वीडियो कैसा लगा लाइक करके कॉमेंट करके जरूर बताएगा। और हाँ, कुछ लोग का सवाल रहता है हेडफोन्स की वीडियो पर साउंड लीकेज कितना है, तो साउंड लीकेज तो देखो अफोर्डेबल सेगमेंट के हेडफोन्स हैं तो ऑलमोस्ट सभी हेडफोन्स से हल्का फुल्का साउंड लीकेज होता है, लेकिन ये ओवर ईयर हेडफोन्स हैं, कान पूरा का पूरा कवर हो जाता है तो बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का साउंड लीकेज जरूर है। बाकी अभी के इस वीडियो में इतना ही, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।